जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ का जो आंसर की आ चुका है, इसका रिगार्डिंग आपको ये वीडियो मैंने ला रहा हूँ, जिसमें आप अपना आंसर की देख सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रुप ई का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे चुका था, जहाँ से आपने डाउनलोड करके अपना आंसर की मिला लिए थे। तो इस बार आपको ए बी सी डी और एफ ये ग्रुप का आपका आंसर की अपलोड हो चुका है। अभी मैं बता दूं, सी और डी का एग्ज़ाम अभी कुछ कुछ का चल रहा है, उनका भी जैसे आप एग्ज़ाम दे देते हैं जैसे आपका अपलोड हो जाएगा, आप ये चेक कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे कितने बोलते हैं कि सी और डी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, कहाँ से ग्रुप आएगा। मैं बता दूं, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम होते जा रहा है ये अपलोड होते जा रहा है, ये नहीं कि आपका फिर अलग से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपका भी अपलोड हो चुका है। बाय द वे, अभी आपने एग्ज़ाम ख़त्म किए होंगे तो आपका भले 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको अपलोड हो जाएगा, लेकिन आपका भी अपडेट हो जाएगा। ए और बी और एफ का तो अपलोड हो चुका है, आप अपना मिला लें। अब मैं बता दूँ एक और बड़ी बात कि आप अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन में सब्सक्राइब जरूर दबा दें और बेल आइकन दबाना भूलें, जिससे हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे तो ये RPF का होम पेज है, जहाँ से आप देखिए आप ग्रुप ए का चेक करना चाहते हैं तो आप ये ग्रुप ए का आगे क्लिक कर दें। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप ये देख सकते हैं। और मैं बता दूँ सी और डी के लिए कि आपका नेक्स्ट, जैसे एफ यहाँ दिख रहा है उसी के नीचे जस्ट अभी 2 दिन बाद आपको इस पे जुड़ने वाला है, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर ले। और डी और सी का आप यहाँ एफ के नीचे आ जाएगा, वहाँ से आप आकर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं बता दूँ, फिलहाल ए को ओपन करके मैं दिखलाता हूँ कि क्या कैसे आपको करना है। जैसे ए वाले को चेक करना है, उसी प्रकार बी और सी सबको करना है। ये आप तो आपको ये पेज खुल जाएगा, ओपन जैसे हो जाएगा तो आपको रोल नंबर डाल लेना है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो तिथि डालना है, और डेट ऑफ एग्ज़ाम आप किस दिन का एग्ज़ाम था, बैच टाइम आपको सेलेक्ट करना है। और जो ये आपको दिख रहे होंगे NAIR, उसको ये ऑप्शन में आपको डालकर वहाँ सबमिट करना है, तो आपका आंसर की डाउनलोड हो जाएगा और आप मिला लीजिएगा हर प्रकार ए बी सी और एफ। और मैं जल्दी ई का लेकर आऊँगा, जिसमें आपको रिजल्ट उसका कैसे कुछ हुआ है और कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसका भी वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा।